दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की ओर लोगों की देखाएं हमेशा रहती हैं और यहां नोएडा आए दिन तरक्की के नए आराम रचता है। तो बताया जा रहा है कि इस कड़ी में यह शहर देश का पहला ऐसा शहर बनने की राह पर है जो पूरी तरह से वैक्सीनेट होगा। बताया जा रहा है कि नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई का कहना है कि इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और ऐसे में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले जुलाई महीने के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। जानकारी के अनुसार पिछली जनगणना के हिसाब से नोएडा की आबादी 21 लाख है और अब तक नोएडा में लगभग 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि नोएडा में हर रोज लगभग 25,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और इनमें से 15,000 खुराक सरकारी अमले से हैं तो दूसरी ओर 10,000 खुराक प्राइवेट अस्पताल में दी जा रही है। और इस आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो अगले 50 दिन में नोएडा पहला शहर होगा जहाँ लगभग पूरी आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी होगी। देखा होगा कि जनपद में जो अधिक संख्या में ये जो 5.5 लाख में जो अधिक जो अत्यधिक वैक्सीन जो लगी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में निःशुल्क ही लगी है। प्राइवेट सेक्टर में इधर कुछ दिनों से शुरू हुई है और जितने भी यहाँ पर गरीब लोग हैं या निशक्त है, फिजिकली चैलेंज्ड है, ऐसे समस्त कैटेगरीज के लोगों को एक तो जो उनके नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ ऑलरेडी कैंप्स लगी हुई है, साथ में जो ड्राइव थ्रू कैंप्स हैं उसमें भी बहुत ही सरल तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लगी हुई है। इसके बाद आने वाले दिनों में सरकार की ये भी प्लान है कि कैसे हम ऐसे गरीब और ऐसे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनके लिए विशेष कैंप के माध्यम से उन्हीं के गाँव में अथवा उन्हीं के मोहल्ले में, खासतौर पर जनपद गौतम बुद्ध नगर में अर्बन स्लम्स है तथा रूरल विलेजेस है, इन दोनों जगहों पे भी एक विशेष अभियान चलाने की योजना है। आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे कि उन तक भी सरकार पहुंचेगी और वहाँ भी लगाएगी। कुछ ऐसे एरिया जहाँ लेबर क्लास रहती है या फिर लेबर क्लास ही हो, जैसे सब्जी वाला है या फिर लेबर है, तो कोविड ऐप को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा, उसको फर्स्ट डोज लगनी है, ऐसे हरौला हो गया, जे कॉलोनी हो गई, यहाँ के लिए कोई विशेष प्लान है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ पे बहुत संख्या में कई लाखों लेबरर्स यहाँ पे काम करते हैं, वो गौतम बुद्ध नगर के पहचान भी है, उनको हम दो तरीके। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।